कोरोना काल में विगत 7 माह से बेरोजगारी झेल रहे बैंड बाजा कलाकारों द्वारा शासन से राहत की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जनप्रतिनिधियों ने सोमवार को धरना स्थल पहुंचकर आगामी 10 दिन में समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद यूनियन ने धरना स्थगित करने का निर्णय लिया, साथ ही निर्धारित समय में मांगे पूरी नहीं होने पर धरना पुनः प्रारंभ करने की चेतावनी भी दी। धरना स्थगन पश्चात प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। धरने को हीना बुआ ने भी समर्थन देकर शासन से मांग पूरी करने का आह्वान किया। मनासा नगर के मंडी गेट चौराहे पर शारदे बैंड कलाकार श्रमिक संगठन तहसील मनासा द्वारा गत 17 सितंबर से शासन से राहत की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। कोरोना काल में धंधे की मार से बेरोजगारी का जीवन निर्वाह कर रहे बैंड कलाकारों का धरना अनवरत जारी है। धरना प्रदर्शन के 5वें दिन विधायक प्रतिनिधि प्रद्युमन मारू एवं सांसद प्रतिनिधि पुष्कर झंवर ने प्रदर्शनकारियों को आगामी 10 दिन में शासन से समस्या निराकरण करवाने का आश्वासन देकर प्रदर्शन निरस्त करने की बात कही, जिस पर यूनियन ने 10 दिन तक धरना निरस्त करने पर सहमति जताई। धरना समाप्ति के बाद सभी कलाकार बैंड बाजे व ढोल के साथ तहसील कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, जहां यूनियन अध्यक्ष प्रमोद गंधर्व एवं सचिव राजेंद्र बारेट ने ज्ञापन सौंप कर प्रशासन को मांग पूरी होने तक धरना स्थगित करने की सूचना दी। इसके साथ ही विधायक के कार्यालय पर भी ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में स्थानीय क्षेत्र के रामपुरा, महागढ़, आत्री माता, कुकड़ेश्वर आदि गाँव के हिंदू मुस्लिम समाज के कई बैंड कलाकार मौजूद रहे। शारदे बैंड कलाकार, ढोल कलाकार, शहनाई कलाकार, स्टेज कलाकार श्रमिक संगठन तहसील मनासा द्वारा शासन प्रशासन को पहले भी आर्थिक सहायता एवं सब्सिडी लोन के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके कारण गत 17 सितंबर 2020 से संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया, जिसको आज दिनांक 21 सितंबर जन प्रतिनिधियों द्वारा धरना स्थल पर उपस्थित होकर संगठन की मांगों का 10 दिन के अंदर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। संघ के पदाधिकारियों द्वारा इस पर सहमत होकर सभी संघ के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि 10 दिन के अंदर अगर शासन प्रशासन हमारी मांगे 50,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रत्येक संगीतकार को दी जावे एवं प्रत्येक संगीतकार को 5,00,000 रुपये सब्सिडी लोन बिना ब्याज बिना गारंटी के जल्द से जल्द दिया जावे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघ के निर्णय अनुसार 10 दिन के बाद हमको वापस इसी स्थान पर धरना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, अन्यथा चक्का जाम जो भी हमें करना है ये संघ निर्णय लेगा। अगर 10 दिन में शासन प्रशासन हमारी मांगे सुन लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम संघ का जो निर्णय लेगा वो 10 दिन के बाद हम SDM अधिकारी को अवगत कर